एक बार फिर से मैं आपको हीट करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी स्विफ्ट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अलग अलग सेटिंग्स को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लॉक का सेटिंग देखेंगे कि डिस्प्ले में जो क्लॉक आता है उसका सेटिंग्स कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम दूसरा देखने वाले हैं डोर का सेटिंग्स के बारे में, डोर का जो सेटिंग है वो कैसे होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो एक बार गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो सिर्फ आगे के जो डोर है वही अनलॉक होते हैं, पीछे के जो डोर है उसको अनलॉक करना है तो दूसरी बार बटन दबाना पड़ता है। तो वो सेटिंग्स को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात करेंगे हम लाइट के सेटिंग के बारे में। अगर ये साइड इंडिकेटर है उसको एक बार प्रेस करें तो तीन बार जो ब्लिंक होता है उसको ऑन या ऑफ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। और चौथी जो बात करेंगे वो गाड़ी की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम गाड़ी को लॉक करके गए हैं, गाड़ी को कोई हीट करता है या तो गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी होती है तो हमें कैसे मालूम पड़ सकता है। और गाड़ी की जो सेंसिटिविटी है उसको, अगर सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी को हमें कम या ज़्यादा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलो जल्दी से इस वीडियो को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्विफ्ट गाड़ी में आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक टुगल दिया गया है, ए वाला जो टुगल है उसको हम प्रेस करके यहाँ से हम MID में कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको एक बार प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी टोटल कितना किलोमीटर चली है वो यहाँ पे दिखा रहा है। 2981 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी। इसको मैंने दूसरी बार जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे ट्रिप मीटर आ जाता है, ये ट्रिप ए है। और ये जो दूसरा वाला बार, ये जो दूसरी बार प्रेस किया तो यहाँ पर हमें ट्रिप बी दिखा रहा है। तो वो ये जो सेटिंग है वो लेफ़्ट साइड के टुगल से की जाती है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक दूसरा टुगल दिया गया है राइट साइड में, जो यहाँ पे ए वाला जो टुगल है वो प्रेस भी होता है और इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाना चाहते हैं तो इसको हम घुमा भी सकते हैं। इससे क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो इसको अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो MID में यहाँ पे आप देख सकते हो माइलेज लिखा हुआ आ गया है, 19.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये गाड़ी अभी दिखा रही है। दूसरी बार प्रेस किया तो यहाँ पे रेंज दिखा रही है, मतलब कि अभी गाड़ी में जितना फ्यूल है उससे गाड़ी 145 किलोमीटर तक चल जाएगी। ये जो डैश अभी लिखा हुआ है वो अभी गाड़ी क्योंकि स्टील पोजिशन में खड़ी है, अगर गाड़ी रनिंग कंडीशन में है तो यहाँ इसका इंस्टेंटेनियस माइलेज दिखाया जाता है। और एक बार प्रेस करते हैं जो तो पहले वाला था वही आ जाता है। अभी हमें क्या करना है, इसको इंस्टेंटेनियस माइलेज जो था उस पर ले जाके छोड़ देना है, फिर इस वाले टुगल को हमें प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी क्लॉक लिखा हुआ आ गया है। अभी इस वाले टुगल को मैं जैसे ही क्लॉक वाइज घुमाऊँगा, यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देखो तो डोर लिखा हुआ आता है। फिर से करता हूँ तो लाइट, सिक्योरिटी, डिफ़ॉल्ट और एंड। तो सबसे पहले हम क्लॉक में चलते हैं। तो अगर क्लॉक में जाके इसको मैं एक बार प्रेस करूंगा टुगल को तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है CL-12 hour, मतलब अभी जो मेरा टाइम का जो सेटिंग है MID में वो 12 आवर के हिसाब से होता है। फिर से अगर इसको मैं क्लॉक वाइज घुमाता हूँ तो यहाँ 24 आवर लिखा हुआ आता है। अगर इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, मतलब सक्सेस लिख के आ गया, मतलब अभी मेरा जो घड़ी का जो टाइम दिखाएगी वो 24 आवर के हिसाब से दिखाएंगे, लेकिन मैं इसको 12 आवर रखना चाहता हूँ तो 12 आवर पर ले जाके इसको सक्सेस कर दे रहा हूँ। दूसरी बात देखते हैं तो यहाँ पे डोर लिखा हुआ आता है। डोर में जाके अगर हम इस टुगल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे D1 लिखा हुआ आएगा। फिर इस वाले टुगल को मैं क्लॉक वाइज घुमाऊँगा तो D2, D3 और D5, इसमें D4 जो है वो नहीं होता है और बैक का ऑप्शन है। सबसे पहले हम D1 देख लेते हैं। तो D1 को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे SL1 और SL2 लिखा हुआ आता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो SL1 के ऊपर SCL लिखा हुआ आता है, मतलब कि अभी मेरा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो SL1 पे हो रखा है। SL1 का मतलब होता है कि अगर हम गाड़ी के रिमोट से डोर को अनलॉक करते हैं तो चारों डोर है वो एक साथ में अनलॉक हो जाते हैं। और अगर इसको मैं SL2 पे ले जाके छोड़ देता हूँ, SL2 को सक्सेस कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा तो पहली बार में सिर्फ ड्राइवर साइड का जो डोर है वही अनलॉक होगा, दूसरी बार मैं प्रेस करूँगा तब जाके चारों जो डोर है वो अनलॉक हो गए। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं अभी गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ
और ये जो गाड़ी है उसको मैंने अभी लॉक कर दिया। अभी क्या होगा, जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा, तो एक बार मैंने अनलॉक किया तो ए वाला जो डोर है ड्राइवर साइड का वो अनलॉक हो चुका है, लेकिन ये पीछे वाला जो डोर है वो नहीं खुलता है। मुझे दो बार प्रेस करना पड़ेगा। जब भी मैं दो बार प्रेस करूँगा, इसको एक बार प्रेस किया और ये दूसरी बार प्रेस किया, दो बार प्रेस करूँगा तो डोर ड्राइवर साइड का डोर है वो भी अनलॉक हो जाएगा और पीछे का डोर है वो भी अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आप एक बार में चारों डोर अनलॉक करना चाहते हो तो आप SL1 को सिलेक्ट कर लो, और अगर फिर से मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, डोर में जाते हैं, D1 हमने देख लिया है, उसके बाद में D2 पे चलते हैं। तो D2 में क्या होता है, उसमें भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, SL1 और SL2। SL1 मतलब क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो 20 की स्पीड से ज़्यादा पे चलेगी तो चारों जो डोर है वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होते हैं। अगर इसको आप SL2 पे रख के सिलेक्ट करके छोड़ दे रहे हो तो अभी क्या होगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, वैसे ही गाड़ी के चारों डोर है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको लॉक रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको SL1 पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखा हुआ है। उसके बाद में D3 की बात करते हैं, तो D3 में भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, SL1 और दूसरा SL2 होता है। अभी यहाँ पे SL2 सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट रखा गया है। SL1 का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी चालू कंडीशन में है और जैसे आप इग्निशन बंद करते हो तो आपके गाड़ी के जो चारों डोर है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक नहीं होते हैं। अगर आपने SL2 पे रखा हुआ है तो आपकी गाड़ी के जो चारों डोर है वो गाड़ी का इग्निशन जैसे ही बंद होता है चारों जो डोर है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने SL2 पे इसको सक्सेस कर दिया है, सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, बैक, और यहाँ से एंड हो गया। अभी सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरी गाड़ी जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो जो गाड़ी का जो अभी डोर है वो अभी लॉक पोजीशन में है। यहाँ से मैं अभी गाड़ी को बंद कर रहा हूँ, जैसे ही गाड़ी को बंद करूँगा ये डोर है वो अपने आप से ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। ये गाड़ी को मैंने बंद किया तो आप देख सकते हो ये जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। अभी फिर से जाते हैं डोर के सेटिंग में, इसको प्रेस करके रखा है मैंने, क्लॉक, डोर, D1 देख लिया हमने, D2 देख लिया, D3 देख लिया। अभी D5 की बात करते हैं, तो D5 में क्या होता है कि आप जैसे ही SL1 पे अभी सिलेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, अगर मैं इसको SL2 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी क्या होगा, गाड़ी को जैसे ही हम लॉक करेंगे तो जो बीप का साउंड आता है वो अभी नहीं आएगा। अगर इसको मैं SL1 पे रखूँगा तो जो बीप का साउंड है वो आने लगेगा। तो ये हो गया पूरा डोर का सेटिंग। अभी बात करते हैं लाइट्स के बारे में। तो ये लाइट में क्या होता है, सिर्फ L2 का सेटिंग दिया गया है जिसमें SL1 और SL2 है। SL2 में क्या होता है, अभी देखो मैं SL2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं बैक करके बाहर निकल जाता हूँ और यहाँ से मैंने एंड कर लिया। तो अभी क्या होगा कि आप देखोगे यहाँ पे एक साइड लाइट का इंडिकेटर दिया गया है, ए वाला। अगर इस इंडिकेटर को मैं एक बार प्रेस ऊपर करूँगा तो सिर्फ एक बार लाइट होगी। यहाँ पे आप साइड लाइट देख सकते हो, जो साइड लाइट होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं इसको एक बार ऊपर करता हूँ तो एक ही बार होती है, और जैसे ही छोड़ दे रहा हूँ वो साइड लाइट है वो बंद हो जा रही है। अभी मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ सेटिंग्स। यहाँ से मैंने लाइट में जाता हूँ, L2 और SL1 मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी क्या होगा कि मैं साइड लाइट को एक बार जैसे ही ऊपर करूँगा तो तीन बार जो लाइट है साइड लाइट वो ब्लिंक होगी। मतलब आप अगर लेन चेंज करना चाहते हो हाईवे में तो ये वाली चीज़ है वो आपको काम आएगी। अभी देखो मैंने इसको एक बार प्रेस किया तो तीन बार है वो ब्लिंक होती है। अगर आप हाईवे पे लेन चेंज करना चाहते हो तो ये वाली जो लाइट है वो आपको काम आएगी। अभी हमने क्लॉक देख लिया है, डोर देख लिया, लाइट देख लिया। अभी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में यहाँ पे आप देख सकते हो S2, S3 और S4।
वो तीन सेटिंग होते हैं। तो सबसे पहले S2 के बारे में बात करते हैं। तो S2 क्या होता है कि अगर इसमें आप SL1 रखते हो, ये S जो है वो सिक्योरिटी अलार्म है, SL1 रखते हो तो आपका सिक्योरिटी अलार्म है वो ऑन रहेगा, SL2 रखोगे तो आपका सिक्योरिटी अलार्म है वो पूरा बंद हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं SL2 रख रहा हूँ, मतलब मेरा सिक्योरिटी अलार्म है वो अभी बंद हो चुका है। गाड़ी को कोई भी हीट करेगा तो कोई भी तरह का सायरन है वो नहीं बजेगा। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सबसे पहले इसको SL1 करके सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर दे रहा हूँ। अभी देखो S3 की बात करूँ तो S3 में क्या होता है कि आप इसको मैं अगर प्रेस करके अंदर जाते तो आप देख सकते हो L00, L01, L02 ऐसे करके L15 तक आता है। तो हम कोई भी सेटिंग रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरा जो सेटिंग्स यहाँ पे रखा हुआ है वो L10 पे रखा हुआ है, वो मैं सिलेक्ट करके L15 कर देता हूँ। ये क्या होता है कि अगर हम L00 रखते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारा सिक्योरिटी अलार्म है वो बंद होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ता जाता है उससे गाड़ी की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। अभी मैं L15 कर रहा हूँ, मतलब कि जो गाड़ी है वो हाई सेंसिटिव हो जाएगी। तो अभी क्या होगा कि गाड़ी को अगर छोटा सा भी हीट करेंगे हम तो जो गाड़ी है उसका सेंसर आवाज़ करने लगेगा। लेकिन S3 ऑप्शन में क्या होता है, जो सेंसर है वो थोड़ा सा कम आवाज़ करता है, और S4 है उसको हाई सिक्योरिटी अलार्म बोला जाता है, उसमें जो सेंसर है वो थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। अभी मैं S4 है उसको मैंने 00 पे करके बंद कर दे रहा हूँ। अभी मेरा सिर्फ S3 जो है वो L15 के रख के हमने चालू रखा हुआ है। तो अभी हम बाहर जाके देखते हैं कि गाड़ी को हीट करते हैं तो जो गाड़ी है वो आवाज़ करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं। ये गाड़ी को मैंने लॉक कर दिया। अभी यहाँ मैं छोटा सा हीट करूँगा तो देखते हैं गाड़ी आवाज़ करती है या नहीं करती है। तो आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो उसका सेंसर है वो एक्टिव हो जाता है और गाड़ी जो है वो आवाज़ करने लगती है। मैं फिर से एक बार हीट करके आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी आवाज़ करती है, कैसे आवाज़ करती है। तो ये जो था वो S3 का था। अभी हम जो करने वाले हैं वो S4 करने वाले हैं, जिसमें क्या है हाई सिक्योरिटी अलार्म बजता है। तो वो कैसे काम करता है वो हम अभी देखते हैं। हम क्या करेंगे, अभी जो S3 था उसको हम बंद कर देंगे, S3 जो था उसको हम बंद कर देंगे और S4 था उसको एक्टिव कर देंगे। सिक्योरिटी में गए, S3 है उसको हम L00 करके ऑफ कर देंगे और S4 जो है उसको हम L15 पे ले जाके एक्टिव कर देंगे। अभी हम बाहर जाके फिर से करने वाले हैं वही प्रैक्टिकल, देखते हैं क्या होता है। और ये गाड़ी को मैंने यहाँ से हीट किया तो आप देख सकते हो गाड़ी है वो आवाज़ करने लग गई। एक बार फिर से मैं आपको हीट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से गाड़ी आवाज़ करने लगती है। और दूसरा क्या होता है कि अभी एक बार S4 जो एक्टिव है उसमें अगर हमने गाड़ी को हीट किया है, किसी ने गाड़ी को हीट किया है, तो जब हम गाड़ी का डोर अनलॉक करेंगे तो जो दो बार बीप की आवाज़ आती है वो अभी 4 बार बीप की आवाज़ आएगी। तो अभी देखो मैं गाड़ी का जो डोर है वो अनलॉक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 4 बार आवाज़ आई गाड़ी की। और दूसरा जो हमें एक सिग्नल मिलता है वो यहाँ से मिलता है, ये जो देख सकते हो आप यहाँ पे इमोबिलाइज़र दिया हुआ है। ये जो इमोबिलाइज़र है उसकी लाइट है, जो जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे उसकी लाइट ब्लिंक होती रहेगी। देखो आप देख सकते हो ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब हमारी गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी हुई है, मतलब हमारी गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी हुई है वो हमें इमोबिलाइज़र की जो लाइट है उससे मालूम पड़ जाता है। और ए वाला जो है वो डिफ़ॉल्ट का सेटिंग है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है वो एक्टिव हो जाएगा। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं जो कंपनी का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑन हो जाएगा, और ए एंड का बटन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।